अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा सुहेब व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फूड को और नई रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने बच्चों के साथ विंटर वेकेशंस की तैयारियां भी कर रहे होंगे क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक विंटर रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की है, चूरी साथ में प्लस कॉफ़ी। तो ये जो है कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का है, आप लोग भी इसको घरों में ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर जी हम बनाने जा रहे हैं चूरी जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो मैंने नहीं बनाई थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो बनाते भी खुद ही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही बनाता हूँ तो आप मेरी वीडियो को शूट करें, तो मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मुझे फ्लू भी था और साथ में खांसी भी थी, तो मैंने तो कॉफ़ी का सोचा था कि कॉफ़ी हम पीते, तो उन्होंने कहा साथ में हम चूरी भी खाएंगे। तो चूरी के लिए हमने क्या किया, साथ में देसी घी लिया। सबसे पहले उसको थोड़ा सा गर्म करने के साथ ही हमने चार रोटियां ले ली थी जो कि मैंने अपने हस्बैंड को बना के दे दी थी। उन्होंने उसको चूरा करके उसमें डाला और थोड़ा सा उसको पकाने के बाद, गर्म करने के बाद उसमें शक्कर डाल दी। शक्कर डालने के बाद अब यहाँ पर उसको थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4-5 चम्मच के करीब आप पानी डाल दें। तो उससे क्या होगा, जो आपकी शुगर होगी, जो आपकी चीनी होगी या शक्कर होगी, वो कैरमलाइज्ड हो जाएगी और वो बहुत ही मज़े की लगेगी। उससे क्या हो जाएगा कि जो आपकी जो चूरी है वो अच्छी सी कंबाइन भी हो जाएगी। आप भी इसको ट्राई करिएगा और इसकी बहुत सी मज़ीद और भी रेसिपीज़ हैं। तो सबसे क्विक एंड इजी रेसिपी यही है, आप भी इसको अपने घरों में ट्राई करिएगा। और विंटर में तो ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, देसी घी की चीज़ें और गर्म गर्म चूरी। बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं ऐसी चीज़ों को, बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी आप बना कर खिलाएँ, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। देसी घी भी बहुत अच्छा है और चूरी जो रोटी है, रोटी तो वैसे भी बहुत हेल्दी एक फूड है। तो यहाँ पे उन्होंने जी कॉफ़ी भी तैयार कर लिया है और उसको अच्छे से चला रहे हैं। हाफ हाफ कप ही हमने बनाए थे ताकि जी दोपहर का टाइम था, तो फिर इससे क्या है, साथ में चूरी भी थी तो रात का भी हमने खाना खाना था, तो हमने कहा चले जी हाफ कप ही बना लिए जाए। तो यहाँ पे जी हमारी दूसरी रेसिपी स्टार्ट हो गई है, हमारे जी अचारी आलू गोश्त। आलू गोश्त तो हर कोई बनाता होगा, तो यहाँ पे मैंने इसको न्यू इनोवेशन के साथ जी अचारी आलू गोश्त के साथ हमने इसको बनाया है। तो अचारी आलू गोश्त कैसे बनेंगे जी, सबसे पहले हमने ले लिए हैं प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये हमारे जी ये सारी सब्जियां हैं जो इसमें डलेंगी। और साथ में हमने आधा किलो चिकन ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सब्जियों को काट लेना है, आप रफली जैसे भी है प्याज काट सकते हैं। तो साथ में हमने आलू ले लिया, आपका अपनी मर्ज़ी, आप आलू का साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ ले लिया हुआ है। तो जो प्याज थे वो हमारे पास एक बड़ा प्याज था और एक हमारे पास मीडियम प्याज था, और 3 आलू ले लिए थे, 2 टमाटर ले लिए थे, 3 हरी मिर्चें थी मेरे पास, और 4 से 5 हमारे पास जब्बे थे लहसुन के, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। यहाँ पे मसाले हैं जी हमारे पास, हल्दी, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च और जी सूखा धनिया। ये मैंने थोड़े थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं क्योंकि मैं साथ में इसके नेशनल डब्बा जो है, नेशनल अचारी गोश्त का डब्बा जो होता है, उसका मसाला भी डालूँगी। साथ में हमारे पास 4 चम्मच दही है और जी 1/2 किलो चिकन है और ऑयल है। सबसे पहले क्या हम कर लेंगे जी, ऑयल को डालेंगे, 1/2 कप ऑयल इसमें चाहेगा जी। ज़्यादा आप ऑयल यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी प्याज है वो अच्छी से गल भी जाती है और जी आपका जो चिकन है वो भी बहुत अच्छा बनता है, उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी निकलती है। तो यहाँ पे हमने प्याज को इतना ब्राउन करना है, ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो, तो हमने साथ में इसमें चिकन डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो प्याज थोड़ी सी नरम होती है ना थोड़ी सी, तो उससे क्या वो जल्दी गल जाती है। अगर आप उसको ज़्यादा ब्राउन करने बैठेंगे तो फिर वो खड़ी खड़ी रहेगी और आपके जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से नहीं भुनेंगे, मतलब वो गलेंगे नहीं, तो जो प्याज है वो बीच में खड़ा खड़ा सा नजर आएगा, जिससे आपका जो शोरबा है या ग्रेवी है वो बहुत ही बुरी लगेगी। तो आपने उसको थोड़ा सा नरम नरम ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन अच्छे से भूनने के साथ ही, जब उसका कलर चेंज हो जाए, तो उसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो बनाया था, हमने कूट लिया था, वो उसमें डाल देना। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे और जब आप चिकन डालते हैं तो साथ में नमक भी ऐड कर दिया करें। इससे क्या होगा, जो आपका नमक है वो एक तो बोटियों के अंदर गल वो अच्छे से रच जाएगा,
चिकन में रह जाएगा और साथ में जो आपका चिकन है वो भी खड़ा खड़ा रहेगा, आप भूनते हुए वो टूटेगा नहीं। आप भी इसको टिप को यूज़ करिएगा, ये एक किचन टिप है जो आप भी यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत कारामद है। साथ में हमने अब जब वो अच्छे से लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो मिक्सचर डाला था वो अच्छे से भुन गया, तो मैंने इसमें टमाटर जो आलू थे वो भी डाल दिए, दोनों इकट्ठे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे आलू हैं वो भी प्याज के साथ लग लग के ना, तो वो उसको प्याज को ना गलाने में मदद करेंगे और उसको पिसने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से 3-4 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे प्याज और टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन इस तमाम मिक्सचर को मैंने थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था ताकि ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो नरम पड़ जाएँ। तो फिर जब हमने इसको बाद में भुना तो वो अच्छे से गल गई हैं, तो पीस चुकी हुई हैं। तो यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं कि 4 चम्मच जो मैंने दही लिया था उसमें जो जितने भी स्पाइसेस थे जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ज़ीरा है उसमें जी, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है और जी साथ में सूखा धनिया था। अब इसमें हमने 2 टीस्पून है ये मेरे पास, 2 टीस्पून हमने अचारी गोश्त का मसाला भी ऐड कर दिया। तो ये सारी जो मिर्चें मैंने ऐड डाली थी बिल्कुल परफेक्ट थी, ज़रा मिर्चें तेज़ नहीं हुई। 3 हरी मिर्चें भी हम पहले डाल चुके हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने मिर्चें ज़्यादा नहीं कर लेनी, बैलेंस्ड तरीके से आपने यूज़ करना है। और अचारी गोश्त जो है, अचार गोश्त का जो मसाला होता है नेशनल का, आपको पता है उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है, तो नमक का भी आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा मैंने चिकन जब भून रही थी तब भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, तो उसका ख्याल रखते हुए आपने यूज़ करना है। ये ना हो कि आप बार बार नमक यूज़ करते जाएं तो जी आपका नमक भी तेज़ हो जाए और जो हम मिर्चें भी तेज़ हो जाएं। अब ये सारा मिक्सचर मैंने अच्छे से डाल दिया और जो हमारे पास कटोरी में एक्स्ट्रा साथ में लगा हुआ था, चिपका हुआ था, उसको भी मैंने पानी डाल के कर दिया। हम जी पाकिस्तानी लोग हैं, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करते, तो हमने जी उसमें भी पानी डाल के उसको डाल दिया। अब अच्छे से इसको भूनने के बाद आपने देखा कि मैंने अब चम्मच पर निकाल के दिखाया, वो बिल्कुल पिस चुका था आपका जो प्याज लहसुन अदरक टमाटर जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल पिस चुकी हुई थी। अब इसको आपने देख लेना है कि जब आपका ऑयल सेपरेट हो जाए, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है। अब इसको हम हल्की सी आंच पे छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू जो चिकन है वो दोनों गल जाएं। अब हम इसमें डाल रहे हैं जी साथ में हम आटा गूंथ रहे हैं, आटा गूंथते हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी कौन कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं, तो आप मुझसे उनके बारे में जानने के लिए मज़ीद अगर कोई आप रेसिपी जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, मैं वो ट्राई करूँगी और आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जी हमारे अचारी गोश्त की फ़ाइनल शक्ल है, देखिए जी बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने इसके के लिए भी जुगाड़ लगा लिया, मैंने क्या किया इसको डिश आउट करते हुए साथ में मेरे पास वाइट तिल पड़े थे मैंने वो डाल दिए। तो ओके जी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ जानने के लिए हम दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।